तो आज के वीडियो में ना हम एक आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं जो मैं अभी अपने एक्वेरियम के साथ करने वाला हूँ, और वो है जो फेदर फिश हमारे पास है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फेदर फिश है इसको ना थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, मतलब इनके लिए एक अच्छा सा परमानेंट घर बनाना है मुझे। तो ये जो आप देख रहे हैं मैंने स्टोन से ऐसे टेम्पररी बनाया था इसके लिए, और मेरे पास इस एक्वेरियम के अंदर टोटल 3 फेदर फिश हैं, जो भी आप नाम कह लीजिए, ब्लैक घोस्ट, नाइफ फिश। तो ये जो फेदर फिश आप देख रहे हैं नीचे, तो इसका तो ये घर बन चुका है। और एक फेदर फिश मेरे पास ये है जिसका आपको पूंछ दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा यहीं पर सोता है, आप देख सकते हैं यहाँ सो रहा है ये। तो ये जो स्पॉन्ज फिल्टर है ना, इसके नीचे जो आपको अंधेरा या फिर थोड़ा सा ना सेफ जगह दिखता है, तो ये यहाँ पर सोता है और इसका घर बन चुका है। और एक जो है उसके उसको मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ सोता है, उसका भी घर ही नहीं है, ठीक है, वो बेघर है। तो फेदर फिश या फिर ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने साइज में ये बड़े होते जाते हैं, मतलब इसका जितना आप जिस एक्वेरियम में इसको रखेंगे, ये थोड़े टेरिटोरियल टाइप ऑफ फिश है, मतलब इनको एक प्राइवेट जगह चाहिए, प्राइवेट रिजॉर्ट चाहिए, घर चाहिए, तब ये बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसके वजह से मैंने सोचा यार क्या किया जाए, मतलब मेरा जो वो स्पॉन्ज फिल्टर के नीचे जो फिश था ना, जो मैंने आपको दिखाया जिसका पूंछ दिख रहा है, तो ये जो फिश है उसका वो एकदम परमानेंट घर हो चुका है, मतलब बचपन से वो वहाँ पर ही था, मतलब बचपन मतलब इतना छोटा था जब मैंने लेके आया था, तो तब से वो वहाँ पर ही है, तो उसको आदत बन चुका है। अभी क्या है, इसको और एक उधर है, ठीक है, उस फेदर फिश को, मतलब ये दोनों फेदर फिश को मैंने नया लाया था, और आते ही वहां पर वो जाके छुप गया, ठीक है। काला चीज है तो काले चीज या फिर अंधेरे चीजों पे ये सब, मतलब जो फेदर फिश है उनको अच्छा लगता है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेदर फिश जो होते हैं इनके जो नेचर है ये असल में नाइट फिश होते हैं, मतलब ये रात को निकलते हैं, एक्टिव रात को होते हैं, और दिन को या तो आराम करेंगे या फिर ऐसे छुप के बैठेंगे। तो अभी क्या है कि उनको छुपने का जगह चाहिए था, ये दोनों फिश नया था तो डायरेक्ट वहां पर जाके छुप रहा था, और उसका तो एक जो मेरा पुराना एक फेदर फिश था उसका तो पुराना घर है ये, तो अभी उसको पूरा अटैक कर रहा था, बहुत ज्यादा फिन को निप कर दिया था, फिन मतलब तोड़ दिया था, तो अभी मेरे को टेंशन हो गया था। मैंने फिर इसको अच्छे से ये घर बनाया इसके लिए, ठीक है, टेम्परेरी घर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, मतलब नेचुरल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मतलब छुप रहा है ये, मतलब कभी कभी दिखाई देता है कभी नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए ये घर बन चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये बन रहा है मेरा जो दूसरा फेदर फिश है वो यहाँ पर छुपता है। तो हो गया टोटल 3, एक और यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा जिसका पूंछ दिख रहा है। तो ये 3 फेदर फिश तो है मेरे पास, लेकिन ये जो फेदर फिश आप देख रहे हैं इनका भैया कोई घर नहीं है, ये बेघर है, देख रहे हैं आप कैसे खुलेआम घूम रहा है ये। इस बेचारे के लिए मैंने सोचा कि एक घर बनाया जाए, तो मैंने सोचा कि कैसा घर बनाए, क्योंकि मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ कि इस फेदर फिश को अच्छा सा कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा सेफ फील हो। तो उस जगह में ना अगर आप, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा बन चुका है, जो श्रिम्स है ना मेरे पास वो सैंड को बालू को थोड़ा हटा के गड्ढा बना रहा है। ये देखिए इसका फिन टूटा हुआ है, देखिए इसका मतलब ये रात को बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। तो घर तो मैं बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं चाहता हूँ कि ये पत्थरों का बने, क्योंकि पत्थर के घर बनाएंगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा और दिखेगा भी नहीं, वैसे तो कोई मेरे घर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं घर बनाता हूँ तो मैं सोच रहा था कि शीशे का बनाऊं जिससे कि आर पार दिखाई दे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो, तो मैंने ये बनाया है, देखिए। तो ये जो घर है मैंने किस तरह से बनाया, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली बता देता हूँ। तो ये सिंपल है, पता नहीं ये कितना एमएम का ग्लास है, लेकिन मैंने जस्ट दुकान में जाके यही पसंद किया, तो मैंने यहाँ पर साइज दिया है, इसका लेंथ जो है ये 7 इंच का है और विथ इसका 1.5 इंच का है आई गेस। तो यहाँ पर हमारा घर रेडी हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर जो शीशे के बने हुए छोटे से टेंट वगैरह बोल सकते हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो फेदर फिश वगैरह हैं ये अपने टेंट में आएंगे कैसे, मतलब इनको मैं घर में बुलाऊं कैसे। ओ एक आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। भाई प्लीज अंदर घुस जा यार, प्लीज प्लीज अंदर घुस जा यार, आजा 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 आजा। ओह माय गॉड, एकदम कैमरे में रिकॉर्ड हो गया भाई साहब, एकदम कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। अच्छा इनको ना पता नहीं चल रहा है कि ऊपर ये
शीशा मतलब लाइट अंदर आ रहा है ना, तो इनको अंधेरा जगह पसंद है, मुझे लग रहा है इसीलिए वो निकल गया। मतलब ऊपर मुझे थोड़ा सा ढकने के लिए कुछ चाहिए, लाइक थोड़े से सैंड बालू वगैरह मैं डाल दूंगा मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं भाई ऐसे नीचे मत चला जाए यार, नीचे जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा कचरा कर रहा है। एकदम लाइव कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। इसको पसंद नहीं यार लग रहा है। असल में ना मुझे लग रहा है कि इसको आदत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले ये पत्थरों के घर में रहता था। अच्छा तो मैं आपको अपडेट देता हूँ इसके बाद क्या हुआ। देखिए जो ओपन ग्लासेस थे ना, जो रोशनी के वजह से थोड़ा सा रोशनी, हाँ तो मैं बोल रहा था कि ये रोशनी के वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था फेदर पीसों को, मतलब घर में घुसने के लिए। तो मुझे देखिए एक घर बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है एक मछली के लिए। तो यहाँ पर वो मछली आप देख सकते हैं, देखते हैं वो घर में आता है कि नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ऊपर से ढक दिया है, थोड़ा अंधेरा या नेचुरल फील लाने के लिए थोड़ा कोशिश किया। और पीछे वाला जो हिस्सा है ये भी दिखाता हूँ आपको मैं, इसका उतना ज़्यादा एरिया ने नहीं कवर किया मैंने, लेकिन हाँ लाइक पसंद तो आ सकता है इसको। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट मछली है, मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज के वीडियो बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।